नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओला कैब कैसे इस्तेमाल करते हैं और ओला से कैब्स कैसे बुक करते हैं। ओला कैब एक बिल्कुल फ्री ऐप है जो आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा, लिखकर ओला कैब्स, जहाँ जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है बुक टैक्सी इन इंडिया वाला, यही ऐप है। यहाँ पे मेरे पास अनइंस्टॉल और ओपन के ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मेरे पे पहले से ये ऐप होता नहीं तो फिर मेरे पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होता। मेरे पे है क्योंकि, इसलिए अब ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ओपन मैं करता हूँ इस ऐप को। इसने आपकी लोकेशन ट्रैक कर ली है, आप कहाँ हैं। अब ये जो ऊपर पिकअप फ्रॉम लिखा आ रहा है, इसको आपको टच करना है और अपना एड्रेस डालना है, जो भी आप चाहें। मैं आगरा में रहता हूँ तो मैं आगरा कैंट डालूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आगरा कैंट के भी कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो आगरा कैंट में ये वाला ऊपर वाला टिक करूँगा। अगर आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ध्यान, एग्जैक्ट एड्रेस या नहीं पता है, आप किसी अनजान जगह पे हैं, तो आप इस स्क्रीन को ड्रैग करके, यानी कि स्क्रीन को इधर उधर शिफ्ट कर भी अपने एड्रेस पे इस पॉइंटर को ले जा सकते हैं। जहाँ ये पॉइंटर होगा वही आपकी लोकेशन ये मानेगा। जैसा कि मैं अभी यहाँ हूँ तो यहाँ पे इसने मेरी लोकेशन मानी है, मैं लेकर गया हूँ इसे यहाँ पे, यहीं मैं अपनी लोकेशन दिखा रहा हूँ। अब ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, ये आपको बताया कि आपका ड्रॉप लोकेशन क्या है, आपको कहाँ छोड़ना है इसे। अब इसे भी आप ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें एड्रेस भर सकते हैं, कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। अगर इसके बाद ये ऐसे खुल के आता है तो आप कोई भी एड्रेस डाल दीजिए। अगर आपको अपना एड्रेस नहीं पता है तो, एड्रेस पता है तो आप डाल सकते हैं एड्रेस, लेकिन अगर आपको अपना एड्रेस नहीं पता है तो कोई भी एड्रेस डाल के उसे, मेरा मतलब है कि मैप को शिफ्ट कर आप अपने जाने वाली लोकेशन को भी बता सकते हैं ओला कैब्स को कि आपको कहाँ जाना है एग्जैक्टली। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी टाइप की कैब ओला में अवेलेबल हैं। ओला में सबसे पहले ओला ऑटो आता है, जो बहुत ही सस्ता होता है, और ये नॉन एसी होता है, ऑटो होता है क्योंकि। इसके बाद गाड़ियाँ ओला में आती हैं, ओला कैब्स में माइक्रो, ये सबसे सस्ती कार होती है, एसी कैब होती है, और ये छोटे डिस्टेंसेस के लिए होती है। जैसा कि मैं इसको दो बार टच करूँगा तो ये बताएगा इसके फीचर्स भी, पे स्मॉल फेयर फॉर ए शॉर्ट सिटी राइड्स, नो मोर में टच करूँगा। तो फिर मुझे इसकी सारी फैसिलिटीज़ एंड फीचर्स सब मिल जाएंगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन कौन से व्हीकल होते हैं, टाइप कौन कौन से व्हीकल इसमें आ सकते हैं, और किस किस चीज़ के लिए आइडियल है। सोलो ट्रिप्स के लिए ये अच्छी रहती है, शॉर्ट राइड्स के लिए अच्छी रहती है, डेली कम्यूट के लिए अच्छी रहती है। क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस के रिलेटेड हो सकते हैं, फेयर इन्फॉर्मेशन, कैशलेस राइड है, पर्सनल एसी कैब है, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा अगली गाड़ी आती है मिनी, वो ओला माइक्रो से थोड़ी महंगी होती है मिनी, लेकिन ये भी छोटी गाड़ी होती है, सेडान नहीं होती, प्राइम नहीं होती। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है प्राइम की, प्राइम सेडान, ये गाड़ी लग्जरी गाड़ियों में होती है। ये तीनों गाड़ी शहर के अंदर ही अंदर जाने के लिए हैं। अगली कैटेगरी आउट स्टेशन जो है, वो शहर से अगर आपको कहीं दूसरे शहर में जाना है, सपोज दैट मैं आगरा में रहता हूँ तो आगरा से मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं आउट स्टेशन बुक करूँगा और आउट स्टेशन से, और मुझे अपना पिकअप लोकेशन और फिर ड्रॉप लोकेशन डालनी पड़ेगी। अगली कैटेगरी रेंटल है, रेंटल में एसी कैब्स होती हैं आर्ली पैकेज पे, यानी कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये आर्ली पैकेज होते हैं इनके, राइड नाउ के ऑप्शन में ये पूछता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको ये गाड़ी चाहिए, 1 घंटा 15 किलोमीटर, 2 घंटे 30 किलोमीटर, 4 घंटे 40 किलोमीटर, या जैसे कि मैं आगरा में रहता हूँ, मैंने पहले बता दिया, तो आगरा से कहाँ कहाँ के टूर, बेसिकली जो मेन टूर्स होते हैं वो भी बताता है, आगरा टू फतेहपुर टूर, आगरा सिटी टूर, 8 आवर्स 80 किलोमीटर्स, या 12 आवर्स 100 किलोमीटर्स। फिर अगर आपने 12 आवर्स 100 किलोमीटर्स चूज़ किया है तो फिर आपको एक कैटेगरी दिखाता है कि आपको इसमें मिनी करनी है, प्राइम सेडान करनी है, या माइक्रो करनी है। फिलहाल मैं साइड को बुक नहीं करूँगा, मैं माइक्रो में दिखता हूँ। अब जब आपको राइड बुक करनी है तो राइड नाउ का ऑप्शन टिक करेंगे आप। इसके बाद ये आपका लोकेशन आ रही है, और ये है आपकी ड्रॉप लोकेशन। ड्रॉप लोकेशन आप अभी चेंज कर सकते हैं, अगर आपका कोई प्लान बदल गया है, या अगर आपने गलत लोकेशन भर दी है, तो इवन आप गाड़ी में बैठने के बाद भी ड्रॉप लोकेशन चेंज कर सकते हैं अगर आपने गलत कर दिया है तो।
अब आपको सेटअप पेमेंट में जाना होगा, कैश उसमें टच करना होगा, फिर अगर आपके पास कोई कूपन है तो अप्लाई कूपन, कूपन कोड वट एवर इट इज़। ये कूपन मेरा कल तक था, माफ़ कीजिएगा, ये कूपन मेरा आज भी है, UP30 कूपन, 30 रुपये से कम हो गए हैं मेरे राइड के। अब मैं अपनी बुकिंग कन्फर्म करूँगा, कन्फर्म बुकिंग से। मेरी बुकिंग फॉर्म हो चुकी है, ये बता रहा है कि गाड़ी वाइट इंडिका, इसका नंबर, इसके ड्राइवर का नाम और फोटो और OTP। जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो सबसे पहले ड्राइवर आपसे OTP मांगेगा। OTP का मतलब वो होता है कि आपको उसे बताना पड़ेगा था कि ओला कैब को पता चल जाए, ओला ऐप को, कि हाँ आप गाड़ी में बैठ चुके हैं। और अब क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं केवल आपको दिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कैंसिल करूँगा अपनी राइड, लिखूँगा माय रीज़न इज़ नॉट लिस्टेड एंड कैंसिल रिक्वेस्ट। आप इसे तब तक कैंसिल कर सकते हैं जब तक आपकी बुकिंग के 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट तक आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप कैंसिल तो 5 मिनट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद आपका 50 रुपये कटेगा अकाउंट में से। अगली बार जब आप ट्रैवल करेंगे तो 50 रुपये आपको वो पे करने पड़ेंगे कैब वालों को, जो कि ओला कैब पर जाएंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।